सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारे खास पेशकश का। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और त्योहार होते हैं जिन्हें महिलाएं धूमधाम से मनाती हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है तीज व्रत। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार का अपना अलग महत्व होता है। हर व्रत और त्योहार किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। हरियाली तीज की तरह हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हरतालिका तीज हर साल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी को पाने की इच्छा के लिए ये व्रत जरूर रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए है महत्वपूर्ण। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं ये व्रत। स्वयं सिद्धा संस्था के सदस्यों ने मनाई हरतालिका तीज। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर गाया कजरी तीज। कजरी तीज गाकर मनाई हरतालिका तीज। हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत और त्योहार होते हैं जिन्हें महिलाएं धूमधाम से मनाती हैं, और इन्हीं त्योहारों में से एक है तीज का व्रत। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार का अपना अलग महत्व होता है। हर व्रत और त्योहार किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। हरियाली तीज की तरह हरतालिका तीज का भी व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हरतालिका तीज हर साल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए व्रत रखती हैं। दरअसल हरतालिका तीज के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी क्रम में प्रयागराज स्थित एक होटल में स्वयं सिद्धा संस्था के द्वारा जन्माष्टमी के बाद आगामी तीज त्योहार से पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने आकर्षक वेशभूषा पहनी और 16 श्रृंगार किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा भगवान राधे कृष्ण की लीला का मंचन किया गया, साथ ही भक्ति गानों पर कई प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनमें स्वयं सिद्धा की सदस्यों ने कजरी गीत के साथ साथ कई महिलाओं ने और भी कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को लेकर स्वयं सिद्धा संस्था के सदस्य डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव कहती हैं कि स्वयं सिद्धा महिलाओं की संस्था है जो सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलती है। और यहाँ के साज सजावट से और कार्यक्रमों से आपको अंदाजा तो हुआ होगा कि अभी अभी जन्माष्टमी बीती है और तीज आने वाला है, तो एक शुभारंभ का हम लोगों ने यहाँ पे उसको एक फिर से रिक्रिएट किया है जन्माष्टमी को, और आने वाली तीज को भी हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वयं सिद्धा जो संस्था है वो महिलाओं की संस्था है और हमेशा हर एक सोशल पड़ाव पे अपने आप को साबित करती हुई आई। जो कि प्रयागराज का एक लेडीज क्लब है, संस्था है, जिसके पैट्रॉन है आशा अस्थाना जी, जिनके सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम होता है, जिसमें हर त्यौहार को इतने अच्छे तरीके से, इतने कल्चरल प्रोग्राम को यहाँ पे लाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। किसी भी तड़कते भड़कते चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता है। हमारे जितनी भी संस्कृतियाँ जो खोती जा रही हैं उन सबको यहाँ पे दर्शाया जाता है। हम सब यंगस्टर्स को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए इस व्रत की शुरुआत की थी। इस दिन जो सुहागन महिला निर्जला व्रत रखकर रात्रि जागरण कर महादेव और माँ पार्वती की पूजा करती है, उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शिव पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन में अपार खुशियों का आगमन होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज़,